कोई दुनिया की ताकत आपको पैसा कमाने से नहीं रोक सकती आपके अलावा. यू आर द बैरियर, यू आर द ओनली बैरियर. यू हैव टू चेंज योरसेल्फ. आपको खुद को बदलना पड़ेगा साहब. बाहर की चीजें नहीं बदलेंगी, इकॉनमी यही रहेगी, ट्रैफिक यही रहने वाला है, सर्दी गर्मी बरसात यही, फिक्की कुछ नहीं बदलेगा. विंड विल नॉट चेंज. यू हैव टू चेंज योरसेल्फ. यू हैव टू एडजस्ट द सेल टू रीच समवेयर. और मैं आपको हमेशा से एक बात बताता हूं साहब, अगर दिल पे लेना ही है ना, तो लोग, मैं बोलता हूं दिल पे सफलता को लेना चाहिए, लोगों की बातों को नहीं लेना चाहिए. 10 मना कर दें तो विल और स्ट्रांग होनी चाहिए, 100 मना कर दें तो विल उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए. पहले 14 लोगों ने मुझे मना किया था, मेरा सफलता का स्टोरी है साहब. 14 लोगों ने नो कहा, 1 to 14, हर किसी ने बोला तू गाड़ी ले ले, तेरी गाड़ी में घूम लेंगे, पागल है, ऐसे पैसे आते हैं, गधा. ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि मैं पब्लिकली सेंसर से अप्रूव नहीं है, बता भी नहीं सकता. तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी, इससे बढ़िया तो कहीं झाड़ू लगाता, ये कोई काम है करने का. पहले 14 ने मना किया, मैं भी इंसान हूं, मन टूटा. मैंने कहा छोड़ यार, नहीं करतेगा, लिव इट, छोड़ देते हैं. और एक रात मेरे को लगा एक काम मुझे छोड़ देना चाहिए, और भी तो दुनिया में सारे काम है वो कर. मैं इस बिजनेस को छोड़ने वाला था साहब. फिलॉसफी ने लाइफ चेंज की, आपकी लाइफ आपकी फिलॉसफी चेंज करती है. क्या फिलॉसफी? ये 14 लोग सोनू शर्मा जिंदगी भर ताना देंगे तुझे, कहेंगे देखा हमने तो कहा ही था, हमने तो कहा ही था ये काम होने वाला, अब तो करना इन 14 लोगों के लिए जरूरी है. साला 15 पे जा, 1500 पे जा, 2000 पे जा, लेकिन कर, नहीं तो 14 लोग जिंदगी भर आंख नहीं मिला पाएगा तू. मैं बताता हूं आपको साहब, जब मैं स्कूटर लेके निकलता था तो मेरे मोहल्ले में कर्फ्यू लग जाता था. अगर कर्फ्यू लगाना हो तो धारा लगाने की जरूरत नहीं है, सोनू शर्मा का स्कूटर गुजार दो, लोग गायब हैं, भाग जाते थे. पहले भी भागते थे, आज भी, पहले आगे, अब पीछे. इट्स अ डिफरेंस. लोग क्या कर रहे हैं इसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं. ढीठ बन जाओ, ढीठ कछुआ, कुछ बोलते मुंडी अंदर घुसा लो, बोलता रहा तू, बोल कुछ कर लो, उसको मार लो, बोल तू कर ले. मैं जा रहा हूं बैंकॉक, तेरे को वहीं से याद करूंगा मैं. बेस्ट, किसी के मना करने से नहीं साहब. लेबर, आपको लेबर करना पड़ता है उसके लेबर. दैट्स व्हाई कॉल्ड, मैं, मेरी बेटी हुई 2007 के अंदर, मैं इस बिजनेस में नया नया था. मुझे आज भी वो दिन याद है, 8 बजे सुबह मैंने अपनी वाइफ को एडमिट किया और रात को 11 बजे डिलीवरी था हुआ. तो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, कुछ लोग यहाँ पर गवाह हैं उसके, कि मैं सारा दिन लेबर रूम के सामने बैठ के बिजनेस प्लान देता था. सारा दिन मैं बाहर नहीं जा सकता था. मैंने लोगों को बोला दिन नहीं खराब करना, क्योंकि एक दिन खराब हो जाएगा तो ये दिन दोबारा वापस, इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट. क्योंकि वहां मुझे एक लेसन मिला था, वहां लिखा था लेबर रूम, मुझे समझ में आया फॉर न्यू बर्थ यू हैव टू टेक लेबर पेन. वो बिना उस पेन से गुजरे आपका लाइफ नया नहीं होगा सर. और कितना पेन होता है आप समझते होंगे इस बात, लेकिन नया जन्म होता ही उस पेन के निकलने के बाद है. आपको वो पेन झेलना पड़ेगा अपनी जिंदगी.